हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैसे के बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी इंग्लिश चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर्स का रिव्यू करने वाले हैं। काफी दिन से एक बुक डिमांड में थी कि इंग्लिश की एसएससी की लेटेस्ट 2022 की आप रिव्यू लेकर आइए, क्योंकि एसएससी की अन्य बुक्स जैसे आपकी रीजनिंग, जीएस, अंकगणित आ चुकी थी। इसका हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। लास्ट बुक हमारे पास बची हुई थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको एसएससी की कि इंग्लिश का हम रिव्यू लेकर आने वाले हैं। इसमें जो नंबर आप क्वेश्चंस रहने वाले हैं 11,650 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पेपर जो रहने वाले हैं 318 पेपर को हमने लिया है, उसको चैप्टर वाइज सब चैप्टर वाइज करके सॉल्व पेपर्स आपको दिए हैं। टोटल 11,650 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। पूरी डिटेल के साथ हम बताएंगे कौन कौन से पेपर हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या रहने वाले हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट है, 40 सॉल्ट पेपर्स है और चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर्स, ये तीनों बुक अवेलेबल हैं। ये भी आप ले सकते हैं अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसके अलावा एसएससी के अलावा हमारे पास आरआरबी की भी बुक अवेलेबल है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी की 4 किताबें हमारे पास आने वाली है। वॉल्यूम 1 का हम रिव्यू कर चुके हैं, जल्दी वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 का रिव्यू करने वाले हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल होगी, उसका भी हम जल्द रिव्यू करेंगे। हमारी कुछ फेमस बुक्स हैं आरआरबी 2020 जो रहने वाली थी, जिसमें आपको हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में बुक अवेलेबल थी। ये बायलैंग्वल थी, ये आपको इंग्लिश में मिलेगी। वैसे ही हम एनटीपीसी का बायलैंग्वल लेकर आ रहे हैं, 1 आ चुका है, इसके बाद 2, 3, 4 लेकर आएंगे, फिर एनटीपीसी की 4 बुक्स और भी आएंगी जो इंग्लिश मीडियम में रहने वाली है। अगर इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक की जो प्रिंट प्राइस है 395 रुपीज है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 656 पेजेस की बुक रहने वाली है। इस प्रिंट प्राइस पे अभी आपको डिस्काउंट मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो, अमेजोन का लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। उसके अलावा डायरेक्टली आप व्हाट्सएप से मंगा सकते हैं, 7518340504, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आप इसका बुक का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। अगर इस बुक की बात करते हैं जो 318 पेपर्स रहने वाले, कौन कौन से पेपर रहेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2021 में टोटल 21 पेपर हुए हैं, और पर पेपर 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 525 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। मैं टोटल क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा। अब 10+2 का आपका 2021 का 36 पेपर है, 900 क्वेश्चन है। सीएफओ एसआई का 6 पेपर है, टोटल 300 क्वेश्चन है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में आपको 4 पेपर मिलेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और ये आपका ग्रेजुएट लेवल है, हाई स्कूल लेवल में 3 पेपर है, 75 क्वेश्चन है। मैट्रिकुलेशन लेवल 5 पेपर है, 125 क्वेश्चन है। ये तो आपके हो गया 2021 का। इसके बाद आ जाते हैं आपके सीजीएल टायर सेकंड 2020 में 3 पेपर है, 300 क्वेश्चन। 10+2 में आपके 36 पेपर है, 900 क्वेश्चन। सीजीएल टायर फर्स्ट में आपके 18 पेपर है, 450 क्वेश्चन। इसके अलावा सीपीओ एसआई टायर सेकंड के 1 पेपर है, 200 क्वेश्चन। एसआई का आपका 2019 का है, ये 8 पेपर रहेंगे, 400 क्वेश्चन है। स्टोनोग्राफर का रहने वाला है 12 पेपर, 1200 क्वेश्चन के। 2019 का आपका ये रहने वाला है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7, 4 पेपर रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा। ग्रेजुएट लेवल, हाई स्कूल लेवल, मेट्रिकुलेशन लेवल, तो तीनों से 300 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। सीजीएल 2019 सेकंड टायर की बात करते हैं, 300 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टायर फर्स्ट में आपके 550 क्वेश्चन है। एमटीएस के आपके लगभग 975 क्वेश्चन है। 10+2 के आपके मिल जाएंगे 625 क्वेश्चन। एसएससी जीडी के 40 पेपर है, 1000 क्वेश्चन रहेंगे। सीजीएल टायर सेकंड के आपका 2017 में 7 पेपर है, तो 1400 क्वेश्चन रहने। एमटीएस के आपके लगभग 425 क्वेश्चन है, तो टोटल जब पेपर आप ऐड करेंगे 318 पेपर रहेंगे। इसके बाद 11,650 टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब इन क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवाइड करके हमने बार ग्राफ और पाई चार्ट यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे आप सबसे ज्यादा देख रहे होंगे क्लोज टेस्ट से 900 क्वेश्चन है, स्पॉटिंग द एरर से 498 है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 493 है, फिल इन द ब्लैंक से आपके 472 है। तो लगभग 400-500 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे गए हैं। कुछ माइनर टॉपिक्स हैं, कुछ आपके मेजर टॉपिक्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर हम सब टॉपिक की बात करते हैं तो सेक्शन 1 में आपका ग्रामर है, सेक्शन 2 में आपके वैकुलरी है, सेक्शन 3 में आपका कम्प्रिहेंशन है। इसमें मेन टॉपिक आपका रहने वाला है स्पॉटिंग द एरर। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे डिटेल दिया गया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें भी आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ 4 प्रकार के होते हैं सेंटेंसेस, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलने वाले हैं। ये आपका सेक्शन 1 हुआ। सेक्शन 2 में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सेक्शन 2 में रहने वाले हैं ये आपकी 5 चीजें। इसके बाद आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल्स या पीक्यूआरएस,
क्वेश्चन जो टाइप पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये चीजें आपको डिटेल से यहाँ हो गई। यहाँ पे मैंने आपको इंडेक्स पूरा डिटेल से बता दिया, कौन कौन से पेपर इसमें रहने वाले हैं 2017 से लेकर 2021 तक के जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं, जहां भी इंग्लिश पूछी जाती है सारे पेपर यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। 318 पेपर लेकर 11,650 क्वेश्चन की सीरीज बनाई गई है, उन्हें चैप्टर वाइज डिवाइड भी किया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं आपको रिव्यू करके दिखा दे रहा हूँ। स्पॉटिंग द एरर क्या है, क्वेश्चन टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके 2020 के हैं, 2020 के, और ये भी आपका 2019 के। तीन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टाइप के मिलेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है काफी डिटेल से रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इन सबको जरूर एक बार आप पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल भी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जानी है। यहाँ पे आप ये डिटेल्स देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 5 फरवरी 2019 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, 3 से 5 में जो पेपर हुआ था वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये अवेलेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका चल रहा है स्पॉटिंग द एरर। यहाँ पे आपके सीजीएल के जो टायर फर्स्ट या टायर सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिटेल के साथ यहाँ पे आपको दिया गया है। एसएससी जीडी के भी यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, सारे टॉपिक वाइज आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे दूसरा आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होता है, उसमें फॉर्म वर्ब है, इसमें टेंस है, नंबर है, मॉडल है, वो डिटेल से यहाँ पे आपको दिया गया है। क्वेश्चन आप डिटेल से देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको टोटल दिए गए। क्वेश्चन आपके 10+2 के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम के हैं, कुछ आपके सीजीएल लेवल के सीपीएसआई के हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको देख सकते हैं। और जहां तक जितने क्वेश्चन दिए गए, जैसे ये यहाँ पे 453 क्वेश्चन है, 471 क्वेश्चन है और 471 क्वेश्चन, ये लास्ट आपका 493 क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपका स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट है वो स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे फॉर्म द वर्ड्स है, टेंशन नंबर उसके यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रकार को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवाइड करके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है एंटोनिम्स के, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिस स्पेल्ड वर्ड, और यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस के यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। लेटेस्ट पेपर के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया सारी डिटेल। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ycitybooks.com या व्हाट्सएप नंबर 7518340504 पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल आपको अवेलेबल मिल जाएगी। एसएससी की हम चारों कॉम्बो का एक वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं, उसमें चारों बुक की डिटेल आपको दिखाई जाएगी। वीडियो कैसे लगेगी कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइज़।